प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदरम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समान नीरतल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपर वा अथाहे वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमरे सिद्ध होई गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋद्धिदाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा द्याम सैंस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा द्याम सैंस 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूं गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं।
तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारो। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नकसिक भरे विकार, तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो समार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्यनारायण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्यनारायण किसे कहते हैं? सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। तो अभी तक हमें यही नहीं मालूम था कि सत्यनारायण है कौन, अविनाशी परमात्मा कौन है, और किससे हमारे संकट निवारण होंगे, कौन हमारे भाग्य की रेखा को चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। अभी तक हमें उस परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं था। हमारे सदग्रंथ उस परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है। वो सभी सदग्रंथ एक ऐसी लैंग्वेज में थे जो जन साधारण नहीं समझ सके था। वो लैंग्वेज थी संस्कृत, और संस्कृत भाषा के पढ़ने का एक ही वर्ण को अधिकार था, ब्राह्मण वर्ण को। पुण्यात्मा, संस्कृत एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। आध्यात्मिक ज्ञान चाहे वो कैसी ही भाषा में विद्यमान हो, उसको समझना अलग वस्तु है। कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। पवित्र चारों वेद बहुत पुरातन ग्रंथ है, ये संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध हैं। अब उनका अनुवाद कुछ एक संस्कृत भाषा के जानने वालों ने किया है, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, जिस कारण से वो यथार्थ अनुवाद नहीं कर सके।
फिर भी बहुत सा मिलता जुलता अनुवाद किया गया है। घना नहीं तो 20% उन्होंने ठीक सा 20% अनुवाद जो है वो भी लगभग ठीक किया है। अब वो तत्वज्ञान जो पवित्र वेदों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर विद्यमान है, वही परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लगभग 600 वर्ष पूर्व बोला था, उच्चारण किया था अपने श्री मुख से। और जिसको आदरणीय धर्मदास जी, जो उनके बहुत उन वरिष्ठ वरेणीय पुरुष में से, अच्छी आत्माओं में से एक थे जिनको भगवान आकर मिलते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 16 से लेकर 20 मंत्र तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 97 के 56 और 57 मंत्र में, और भी अनेकों स्थानों पर अनेकों मंत्रों में, पवित्र वेदों में ये स्पष्ट किया गया है कि वो परमेश्वर, वो पूर्ण परमात्मा जो पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व सृष्टि का रचनहार है, वो ऊपर सतलोक में रहता है, वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और ऊपर के और 3 लोक और हैं उनमें भी वही विद्यमान रहता है, वो एक से अनेक रूप धारण करता है, वो अपने उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आता है, गति करके आता है, और श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा को वो प्राप्त होता है, मिलता है, फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से ही परमात्मा सतलोक से गति करके यहाँ इस काल के लोक में, पृथ्वी लोक पर वो प्रकट होते। परमात्मा सशरीर है, परमेश्वर एक रूप में असंख्य ब्रह्मांडों के कुल मालिक के रूप में अकलोक के अंदर और आल कंट्रोलर के सिंहासन पर, कुल के मालिक के सिंहासन पर विराजमान है, और मनुष्य सदृश उनका आकार है, हमारे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारी सब की उत्पत्ति करने वाला, सभी लोकों के रचने वाला वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, हमारे ही समान है। वो वहाँ तख्त पर विराजमान है, बहुत बड़े गुमज के अंदर, एक बहुत बड़ा गुमज है तेज पुंज का बना हुआ, जैसे यहाँ तो सीमेंट से बनता है, वहाँ सब मटेरियल और शरीर, सभी आत्माओं का वो एक तत्व से है, नूरी शरीर, नूर से, तेज तत्व से बना हुआ है। तो उसके बीच में परमात्मा का एक सिंहासन है, उस पर वो परमेश्वर विराजमान है, सचखंड के अंदर भी उसका ऐसा ही स्वरूप है, सतलोक के अंदर भी ऐसा है, फिर अलख लोक के अंदर भी ऐसा ही है, फिर अगम लोक में भी ऐसे ही, और अकै लोक में भी वो एक ही परमात्मा बैठा है। उनके प्रत्येक लोक में उनके शरीर की रोशनी अर्थात नूर का अंतर है। सचखंड में, सतलोक में परमात्मा सहशरीर है, मनुष्य सदृश है, वहाँ उनके एक रोमकूप में, एक रोमकूप में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा की मिली जुली रोशनी भी उस परमात्मा के एक रोमकूप के तेज के सामने फीकी रहे।